नमस्कार, मैं शिविंद, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। आज की तारीख है 25 जून, और 25 जून वो तारीख है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। इस तारीख ने भारत को ऐसी यादें दी हैं जो भारत हमेशा याद रखेगा। इसी तारीख को 1983 में भारत ने वेस्टइंडीज को क्रिकेट विश्व कप में हराकर विश्व योद्धा बनने का खिताब जीता था। भारतीय टीम ने अपने कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में इतिहास रच दिया था। मगर ठीक उससे 8 साल पहले इसी तारीख को भारत देश के कप्तान यानी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसी चोट दी जिसे देश आज भी भूले नहीं भूलता। आज ही के दिन कुर्सी के मुंह में इंदिरा ने हिंदुस्तान में आपातकाल की घोषणा की थी। हम इस बात की चर्चा हमेशा करते हैं कि कैसे एक कोर्ट के ऑर्डर से डरकर इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकाल की घोषणा कर दी थी, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपातकाल खत्म कैसे हुआ, वो इमरजेंसी हटी कैसे। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपातकाल के दौरान सत्तावादी इंदिरा गांधी तानाशाह हो चली थी। 1975 में आपातकाल लागू करने से उन आदर्शों के मूल में आघात हुआ जो हमारे लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ये सबसे काला दौर था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार आपातकाल के दौरान 1,40,000 से ज्यादा लोगों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया गया था। वो दौर ऐसा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी तक सिख के वेशभूषा में घूम रहे थे। कहते तो ये भी हैं कि संजय गांधी 35 साल तक इमरजेंसी रखना चाहते थे, लेकिन मां इंदिरा गांधी ने चुनाव करवा दिए। इमरजेंसी युग में संजय गांधी के जिद्दी रवैये ने इंदिरा गांधी के इस फैसले को गलत साबित करने में गुंजाइश नहीं छोड़ी। कहते हैं कि संजय के 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत नसबंदी ने लोगों में इंदिरा के खिलाफ बेजोड़ गुस्सा पैदा किया था। नसबंदी अभियान के भीषणता का अंदाजा इससे लगाइए कि संजय गांधी ने अपनी करीबी रुखसाना सुल्ताना, जिन्हें इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल भी कहा जाता था, उन्हें कम से कम 8,000 मर्दों को नसबंदी के लिए प्रेरित करने का जिम्मा सौंपा था। लेकिन रुखसाना सुल्ताना ने 13,000 से ज्यादा नसबंदी करवा डाली। सुनने में तो ये भी आता है कि 18 साल के नौजवान से लेकर 70 साल तक के बूढ़ों तक की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई थी। उस वक्त रुखसाना पर ये आरोप भी लगे थे कि उनके गुंडे नसबंदी ना करने के बदले लोगों से पैसे मांगते थे, जो पैसे ना देता उसके घर में तोड़फोड़ की जाती और जबरन उसकी नसबंदी करा दी जाती। कांग्रेस ऐसी आताई पर उतारू थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बसी झोपड़ियों को गिराने का फरमान जारी कर दिया गया था। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस की गोलियों ने उनकी जान ले ली। इंदिरा गांधी को जनता के आक्रोश और अपनी गलती का एहसास होने में 21 महीने लगे। तब जाकर 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी, वीसी शुक्ला, बंसीलाल, प्रणब मुखर्जी, ओम मेहता और ऐसे अन्य दिग्गज नेता जिन्होंने अर्धफांसीवादी आपातकाल की अध्यक्षता की थी, वो चुनाव हार गए थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से 55,202 मतों के अंतर से हारी थी, और संजय गांधी, जो अमेठी से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, एक राजनीतिक नौसिखिया रविंद्र पी सिंह से शिकस्त खा चुके थे। और आखिरकार 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हो गया था। तो ये थी 25 जून की हमारी खास पेशकश। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।